नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथिक क्लिनिक के इस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे ड्राई आइस के विषय में। ड्राई आइस जो कि एक बड़ी समस्या होती है उन लोगों के लिए जिसके लिए समस्या है, क्योंकि आंखें सूख जाती हैं, आप तमाम आई ड्रॉप डालते रहते हैं लेकिन आप लाभ नहीं पाते हैं। हम आपको बताएंगे होम्योपैथी में ड्राई आइस को ठीक करने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएं। उससे पहले साथियों, जान लेते हैं कि ड्राई आइस होती क्या है। ड्राई आइस आपकी वो आँखों की वो कंडीशन होती है जबकि आपकी आँखें एडिक्वेट टीयर्स नहीं प्रोड्यूस कर पाती हैं। जब आपकी आँखें कम टीयर्स अपने से प्रोड्यूस करती हैं तो आपकी आँखें सूख जाती हैं, आँखों में कड़कपन महसूस होने लगता है, विजन ब्लरी हो जाता है, तकलीफ होने लगती है, फिर आँखों से पानी आने लगता है क्योंकि टीयर्स प्रॉपर नहीं आ रहे होते जो कि कॉम्प्लेक्स प्रोटीन का मिक्सचर होते हैं, और आप परेशान होते हैं। तो ड्राई आइस एक समस्या है जो कि होम्योपैथी से ठीक हो सकती है। हम आपको इसकी कारगर होम्योपैथिक दवाएं बताएंगे। सबसे पहले साथियों, डिस्कस कर लेते हैं कि ड्राई आइस के सिम्टम्स क्या होते हैं। ड्राई आइस के सिम्टम्स, आपकी आँखों में जो कड़कपन होता है सबसे बड़ा सिम्टम वही होता है, जबकि आपकी आँखें सूखने लगती है उनमें कड़कपन आने लगता है, आँखों में गड़न होने लगती है, रेत ऐसा महसूस होने लगता है, आपकी आँखों में ब्लरी विजन होने लगता है, आपकी आँखों से पानी आने लगता है, आपकी आँखों में चमक आने लगती है, एक रिफ्लेक्शन आने लगता है, रात में आप ड्राइव नहीं कर पाते उतना ज़्यादा, आपको बार बार आँखें मसलनी पड़ती हैं, वह स्थिति आपको होती है। तो वह सब सिम्टम होते हैं आपके ड्राई आइस के। अगर आपके ड्राई आइज है तो आप एक बार कुशल चिकित्सक को, आई स्पेशलिस्ट को भी जरूर दिखा लें, क्योंकि उसके तमाम कारण हो सकते हैं। साथियों, अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं ड्राई आइज के कॉजेस पर। ड्राई आइज होती ही क्यों है, उससे पहले जान लेते हैं कि ड्राई आइज को जो सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है टीयर्स ना आना। तो ये टीयर आंसू होते हैं, ये क्या होते हैं? हमारे जो टीयर्स होते हैं या फैटी एसिड्स, ऑयल्स और वाटर का मिक्सचर होते हैं। ये कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है हमारे फैटी एसिड्स का, वाटर का और ऑयल्स का। जब यह सिक्रीशन हमारा कम हो जाता है तभी ड्राई आइज होती हैं। इसके तमाम कारण हो सकते हैं, जैसे कि एक कारण हो सकता है इसका शोग्रिन सिंड्रोम, यानी शोग्रिन सिंड्रोम में आपका टीयर सिक्रीशन ख़त्म हो जाता है। थायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म में आपको ड्राई आइज हो सकती हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में आपको ड्राई आइज हो सकती हैं। तमाम रेडिएशंस, अगर आप उनसे उसकी आपकी थेरेपी हुई है तो आपके ड्राई आइज हो सकती हैं। स्क्लेरोडर्मा से आपके ड्राई आइज हो सकती हैं। लेज़र सर्जरी अगर आप कराते हैं तो उससे भी ड्राई आइज होती हैं, हालांकि वो टेम्परेरी होती हैं। तो यह तमाम कारण हैं जिनसे आपके ड्राई आइज हो सकती हैं। ड्राई आइज हैं तो इसको दूर करने की दवाएँ भी हैं। हम आपको बताएंगे होम्योपैथी में ड्राई आइस को दूर करने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएं। लेकिन उससे पहले हम आपसे विनती करेंगे कि कोई भी ऐसी समस्या यदि आपके सामने है ड्राई आइस की, या मेडिकल हेल्थ कंडीशन कोई भी, तो आप कुशल चिकित्सक को अवश्य दिखाएं। चिकित्सक से प्रिस्क्राइब करे बिना जो एडिक्वेटली आपके लिए है वह ऐसे दवा ना लें, क्योंकि तो दवा आपको नुकसान भी कर सकती है। चलते हैं साथियों ड्राई आइस को ठीक करने के होम्योपैथी की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाओं के सफ़र पर, जो आपको ठीक कर देंगी। एक स्थिति आती है साथियों कि आपकी आंखों में लाली बहुत आ गई, आपकी आंखें ड्राई हैं, आंखें सूख रही हैं और उनमें लाली बहुत है। तो अगर आपकी आंखों में ड्राई आइज में, सूखी आंखों में जिसे कहते हैं आंसू सूख गए हैं, ड्राई आइज में आपके लाली बहुत है, तो उसको दूर करने की होम्योपैथी में, उस सिम्टम के कारण आपको ड्राई आइज को ठीक करने की होम्योपैथी में दवा एकोनाइट है। आप एकोनाइट नेप्लस 30 पावर में दो दो बूंद दिन में 3 बार यदि ले लेते हैं, 3 से 4 बार, तो आप एक हफ्ते में देखेंगे कि आपकी आंखों की लाली भी चली गई और आपकी ड्राई आइज भी थोड़ा सा मॉइस्ट होना शुरू हो गई। तो आप ड्राई आइज जिसमें कि आपकी आंखों में लाली हो, उस स्थिति में आप एकोनाइट की मदद लेके अपने को ठीक कर सकते हैं। एक और स्थिति आती है साथियों कि आपको रात भर नींद नहीं आ रही है और आपकी कब्जियत रहती है और आपकी आंखें बिल्कुल सूख गई हैं, ड्राई आइज हो गई हैं, तो अगर ये नींद ना आने वाली स्थिति आप में हो, इंसोमनिया हो
और आपके कब्जियत रहती हो और आपके ड्राई आईज हो गई हैं, तो उन तीनों कंडीशन को एक दवा ठीक कर देगी और वह दवा है ओपियम। आप ओपियम 32 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं अपने ड्राई आईज को कंडीशन को ठीक करने के लिए, उस स्थिति में कि जब आपको नींद ना आती हो और कब्जियत रहती हो। एक स्थिति साथियों और आती है जब आपके ड्राई आईज होती है और आपको भारी कॉन्स्टिपेशन होता है और आपकी पूरी स्किन ड्राई और खारिश ऐसी हो जाती है, उस स्थिति की भी होम्योपैथी में दूर करने की बहुत अच्छी दवा है और दवा का नाम है एल्यूमिना। एल्यूमिना 30 पावर में 2 बूंद आप दिन में 3 बार उस स्थिति में ले सकते हैं कि जब आपके चेहरे पे बहुत खारिश हो रही हो, आपके चेहरे पे खुजली हो रही हो, आपको एक्जेमा हो गया हो, आपको कॉन्स्टिपेशन रहता हो और आपकी आँखें भी ड्राई हो गई, उस स्थिति को ड्रग ऑफ द चॉइस, उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में निश्चित रूप से एल्यूमिना है। आप एल्यूमिना 32 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं, आपकी ड्राई आइस की कंडीशन इस दवा से बिल्कुल ठीक हो जाएगी। फिर एक स्थिति आती है साथियों कि आपके दर्द आँखों में बहुत है और ड्राई आइज है, यानी आपकी पेनफुल ड्राई आइज है, आपके दर्द भी हो रहा है आँखों में और आपको आइस भी ड्राई है, तो अगर यह कंडीशन आपके है तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है बेलेडोना। आप बेलेडोना 200 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं ड्राई आइस के विषय में, जब आपके आँखों में पेन हो रहा हो और वह आपके सर तक जा रहा हो और कुछ तीर के माफिक जा रहा हो, तो उस स्थिति में बेलेडोना बहुत अच्छी दवा है। यह जब सर में एक धड़कन थ्रॉबिंग भी महसूस हो रही हो, एक ब्लड फ्लो रश हो गया हो, उस स्थिति की दवा है, आपको यह ठीक कर देगी। यह इसकी तकलीफें रात में ज़्यादा बढ़ती हैं, रात में आपको तकलीफें ज़्यादा महसूस होती हैं। फिर एक कंडीशन आती है साथियों कि आपके स्किन में एक्जेमा काफ़ी हो, एलर्जी काफ़ी हो और पूरे शरीर में रात भर खुजली मचती हो और उससे आपको तकलीफ होती हो और वहाँ आँख में भी आपको बहुत ज़्यादा इचिंग होती हो, तो अगर यह कंडीशन आप में है जो कि एक्जेमा से सीधे एसोसिएटेड है और आपके ड्राई आईज हैं, तो उस स्थिति को दूर करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा मिजेरियम है। आप मिजेरियम 32 बूंद दिन में 3 बार ले लें तो आपका जो चिपचिपा पानी के एग्रावेशन वाला एक्जेमा है ड्राई आईज के साथ, तो वो दोनों चीज़ें मिजेरियम 30 से ठीक हो जाएंगी और आप ड्राई आईज की समस्या से निपट सकेंगे। फिर एक स्थिति आती है साथियों कि आपकी आईज ड्राई हैं, उनमें जलन हो रही है और उनमें खुजली हो रही है, तो अगर यह स्थिति आप अपने ड्राई आईज की कंडीशन में देखते हैं कि आपको जलन और खुजली हो रही है और आपकी आंखें बिल्कुल ड्राई हो गई हैं, तो उसको दूर करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है सल्फ़र। आप सल्फ़र 1 EM की 3 खुराक 5-5 मिनट के फासले पर वीकली ले लें, आप देखेंगे कि आपकी आँखों की खुजली भी कम हो गई, आपकी ड्राई आइस भी ख़त्म हो गई और आपके आइस को जो ब्लरी विजन है, ब्लरी विजन आपकी आइस में हो रहा है ड्राई आइस में, वह भी दूर हो गया। सल्फ़र ब्लरी वजन को दूर करने में भी बहुत सहायक होती है। फिर एक स्थिति आती है साथियों ड्राई आइस की, जब ड्राई आइस में आप कृत्रिम लाइट, जो आर्टिफिशियल लाइट होती है, शायद रात में ड्राइविंग के टाइम की लाइट होती है, वह आपकी आँख में बहुत चमक मारती है, या कोई भी जो लाइट्स लगी होती हैं जो मैन मेड या बिजली के बल्ब और ये सब होते हैं, यह आपके आँखों में बहुत चमक मांगते हैं, तो अगर ड्राई स्थिति की कंडीशन में यह लाइट से आपको आर्टिफिशियल लाइट से दिक्कत होती हो, चमक होती हो बहुत ज़्यादा, उसको दूर करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा आर्सेनिक एल्बम है। आप आर्सेनिक एल्बम 32 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं, इससे आपका ड्राई आइस भी ख़त्म हो जाएगा और रात में होने वाली जो ये फ्लैश वाली लाइट से, कार की लाइट से, स्कूटर की लाइट से, टेम्पो की लाइट से, इससे जो आपकी चमक होती स्ट्रीट लाइट से, वह भी ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद साथियों एक स्थिति आती है आपके ड्राई आइस की, जब आप पढ़ते हैं तो आपको बहुत तकलीफ़ हो जाती है, आप पढ़ नहीं पाते हैं, आपकी आँखों में जलन होने लगती है, आपके सर में दर्द होने लगता है, तो अगर यह स्थिति आप में होती है ड्राई आइज़ में कि पढ़ते टाइम आपको दिक्कत होती है, पढ़ लिखने में आपको दिक्कत है, तो उस स्थिति की होम्योपैथी में दूर करने की बहुत कारगर दवा नैट्रम्योर है। आप नैट्रम्योर 1 EM की 3 खुराक 5-5 मिनट के फासले पर वीकली ले लें, आप देखेंगे कि आपकी
यह जो पढ़ने के कारण स्ट्रेन के वर्क करने के समय पे आपका सर में दर्द और आंखों में दर्द है वह चला जाएगा और आपकी ड्राई कंडीशन आईस की कंडीशन में ठीक होने लगेगी। नेट्रम्यूर के पेशेंट की पिकुलियर बात होती है कि उसको नमक खाना खाने में पसंद होता है। थोड़ा सा नेट्रम्यूर का पेशेंट का इखैरा लंबा लंबी गर्दन वाला इस तरह का उसका फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन होता है और वह उसको गर्मी बहुत लगती है और उसकी स्किन थोड़ी सी ड्राई होती है, उसमें क्रैक्स आने लगते हैं कभी कभी। यह सब सिम्टम नेट्रम्यूर के साथ जुड़े हुए हैं। विरेट्रम एल्बम हो गई, ब्राइनिया एल्बा हो गई। ब्राइनिया एल्बा के विषय में मैं बता दूं, ब्राइनिया एल्बा भी ड्राई आइस को ख़त्म करने की, उस समस्या को ख़त्म करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है। ब्राइनिया का सिम्टम ये कहता है ड्राइनेस ऑफ ऑल म्यूकस मेम्ब्रेन। जब आपकी आईज भी ड्राई हो गई हो, माउथ भी ड्राई हो गया हो, लिप्स भी ड्राई हो गए हों, आपका स्किन भी पूरी ड्राई होने लगी हो, जब पूरा स्किन ड्राई होने लगे तो समझ लीजिए आपकी ड्रग ऑफ द चॉइस सल्फर और ब्राइनिया है। आप सल्फर और ब्राइनिया यह दो दवाओं का अगर उपयोग कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जो है वह ड्राई आइस की समस्या ख़त्म हो गई। ये कुछ दवाएं थी साथियों ड्राई आइस को ठीक करने के विषय में। मैं फिर बता दूं, कोई भी दवा किसी कुशल चिकित्सक से प्रिस्क्राइब करा के ही लीजिएगा। मेरा या कोई भी अन्य वीडियो देखकर यूँ दवा ना लीजिएगा। ये केवल एक प्रयास था ये बताने के लिए कि होम्योपैथी में वास्तव में ड्राई आइस को ठीक करने की दवा है। यदि आप इसको तल्लीनता से कर लेंगे तो आप इस समस्या से निजात पा जाएंगे, लेकिन दवा किसी कुशल चिकित्सक से प्रिस्क्राइब करके ही लीजिएगा। अगर आपके मन में कोई क्वेरी हो तो आप नोटिफिकेशन पैनल में अपने क्वेश्चन को लिख सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9415786380 पर अपनी क्वेरी को व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको संतोषजनक जवाब देने का पूरा प्रयास किया जाएगा। अगर साथियों आपको हमारा यह प्रयास होम्योपैथी को आपके करीब लाने का पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने चैनल को शेयर करिएगा और बेल नोटिफिकेशन बटन को क्लिक करके सबसे पहले हमारे वीडियो पाते रहिएगा। आपका हमारा साथ देने के लिए, साथ रहने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।